तो अभी जल्दी ये भगवान को भोग लगाने की तैयारी, नाना धोना पूजा वूजा सब हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ये वेफर्स लिए हैं जो व्रत वाले होते हैं ना वो वाले, और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने बनाए हैं ये सूजी का हलवा। अब लगा लेते हैं भगवान जी को भोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज रामनवमी, तो सबसे पहले आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अभी गई थी मार्केट, मार्केट से क्या विन्नी की जैसे तबीयत ख़राब है ना, तो मतलब इसको क्या सॉलिड आहार नहीं देना, जैसे पहले ऐसे रोटी और थोड़ा सा मतलब जो इनके जो बिस्किट आते हैं वो दे देते थे, और इसके अलावा पेडिग्री वगैरह भी नहीं खा रही। तो मैं विन्नी के लिए फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं ना वो लेके आई हूँ, स्पेशली इसी के लिए गई थी आज मार्केट में। तो उसको एक तो कद्दू बहुत पसंद है, तरबूज बहुत अच्छा लगता है इसको, तो आप उनको करेंगे वॉश और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पे साफ सफाई चल रही है कूलर की, और मैं पहले क्या बेवकूफ़ी करती थी कि ये जो ये पानी रहता है ना कूलर में, उसको मैं कपड़े से मग्गे से इनसे निकालने में अपना है ना घंटों टाइम बर्बाद कर देती थी। फिर मुझे बाद में पता चला कि इसके अंदर ये एक इस टाइप का से वॉल्व है, तो उसको हटाओ और सारा का सारा पानी है ना देखना कैसे बाहर निकल जाएगा। ये देखो ये देखो ये निकल गया, और पहले मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करती थी। निकल गया ना, और ये फटाफट से खा लिया जाएगा। कभी कभी बच्चे बेवकूफ़ी नहीं करते, हम बड़े भी बेवकूफ़ी कर जाते हैं। मैं इतने सालों से बताओ ऐसे पागल सी थी, ऐसे निकालती रहती थी उसमें से पानी, कपड़ा लेके मग्गा लेके। चलो जो भी हुआ, अब इस साल मेरे को तो अक्कल आ गई। अब मैं नहीं, लास्ट ईयर से आई है मुझे ये वाली अक्कल कि इसका लिड ऐसे ओपन करना है तब जाके कूलर का पानी बाहर निकलता है। और यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन नेट लगा रखी है ना, तो कैसे वीडियो में भी कैसे अंधेरा अंधेरा आ रहा है। ये क्या एक्चुअली धूप के कारण लगानी पड़ी है। और यहाँ पे आज क्या बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे तो वो मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ। आजकल तो छत पे जाके कपड़े सुखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यहीं पे जो बीच में हैंगर लगा के मैं इसी पे सुखा देती हूँ। देख भी नहीं, देख भी नहीं। ये बाथरूम के बाहर बैठी थी, और जब भी मैं ऐसे विसल बजाती हूँ ना तो ये ऐसे गर्दन अपनी तिरछी कर करके पता नहीं क्या बोलना चाहती है, लेकिन ऐसे करती है तो बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन एक दो बार से ज़्यादा करो ना तो फिर ये हम लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देती है, फिर नहीं करती। गाइस शाम के बज रहे हैं 6:30, और चाय तो पी ली, और ये टाइम हो रहा है मेरे ग्रीन टी का। ग्रीन टी बनाऊंगी फिर ऊपर लेके जाऊंगी, क्योंकि विन्नी को भी ऊपर जाना है ना। विन्नी को भी जाना है छत पे, विन्नी को जाना है छत पे, बोल जल्दी बोल फटाफट। ये देखो ये गीली हो के आ जाती पूरा का पूरा। फटाफट से बनाते ग्रीन टी और ऊपर छत पे लेके चलेंगे, और देखेंगे देखे वो मैं क्या होता है। मैं गर्मियों में ना पक्षियों के लिए ना एक टब है उसमें पानी डाल के रखती हूँ, तो आप लोग भी रखा करो, क्योंकि क्या वो बेचारे मतलब कहाँ वो करेंगे, सब अपनी अपनी छतों पर पानी भर के रखेंगे, तो उनको इनको कम से कम खाना पानी मिल जाएगा। तो मैं तो रखती, तो आप लोग भी रखा करो। ये देखो आज मैं पानी है ना पीतल की भगोने में बॉईल करती हूँ, हमेशा स्टील का यूज़ करती हूँ। हाँ खाना नहीं बन रहा तेरा, ये बहुत चटोरी हो गई है बिन्नी। ये हो गई हमारी ग्रीन टी रेडी। अब नहीं है, अब नहीं है खाना, कितना 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 सोलह खोली चलता। आ इधर आ, इधर आ, देख देख देखो बिन्नी का खाना कहाँ है, बताओ बिन्नी का खाना कहाँ है। ये आलू है बिन्नी का, ये बिन्नी की बॉन है सॉरी, और ये इसका पेडिग्री। आधा आधा छोड़ देती है खाना, पूरा का पूरा नहीं खाती। ये खा ले, ये खाएगी बोन, खाएगी बोन खाएगी। चावल और मिल्क से बनी बॉन है ये, नॉन वेज वाली बॉन नहीं है। जो देखे थे वो मत समझना कि हम लोग नॉन वेज यूज करने लग गए। चटोरी चटोरी मूंगफली खा रही है। आधे घंटे की वॉक करने के बाद में मैं आ गई थी नीचे, और अभी इस समय बज रहे हैं 7:30, 8:15। तो ये टाइम रहता है मतलब किचन साफ करने का भी टाइम रहता है। आज दिन में साफ़ नहीं किया था, गर्मी इतनी हो जाती, फिर मैं शाम के भरोसे छोड़ देती हूँ। तो बस किचन साफ़ किया, डिनर भी बनाना था, और विन्नी मैडम तो चली गई थी सोने, और मैं यहाँ पे बस ये मतलब टीवी देखते देखते मैं किचन का काम निपटा रही थी। मैंने सोचा फटाफट से फ्री हो जाते हैं, फिर आराम से बैठ के टीवी देखेंगे, और बस मैं निपटा लेती हूँ अपना काम, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखो।